नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हंगरी स्पिरिट चैनल में। आज है फ्राइडे और आज रिलीज हुई है मूवीज सुई धागा मेड इन इंडिया और पटाखा। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो मूवी है सुई धागा मेड इन इंडिया। तो इस मूवी के बारे में जो भी बात मैं करूंगी आपसे, उसके बाद ही आप फिल्म देखने जाइएगा या नहीं जाइएगा इसका फैसला आप लीजिएगा। पर उससे पहले आपको एक काम करना है, हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स करना है सब्सक्राइब। तो जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुष्का शर्मा और वरुण धवन पहली बार सिल्वर स्क्रीन पे दिखाई दिए हम लोगों को इस फिल्म में सुई धागा मेड इन इंडिया। तो ये दोनों करेक्टर्स फिल्म में बहुत ही अच्छे लगे। दोनों एक्टर्स वैसे तो अपना लोहा मनवा ही चुके हैं इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, इस फिल्म में खास करके, क्योंकि इस फिल्म का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल देसी है, बिल्कुल ऐसा है जैसे एक गांव से एक फैमिली जो है शहर में आके बसती है और वहां पे अपना एक कैरियर एस्टेब्लिश करती है। उस तरह का करैक्टर है जिसमें जिन घरों में बहू अभी भी सर पे पल्लू रखती हैं और चुपचाप सर झुकाए आंखें झुकाए सारे काम करती हैं। एक ऐसी ही फैमिली की कहानी है ये सुई धागा मेड इन इंडिया। कहानी बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मगर वो इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से पिरोई गई है अपने सीन्स में, अपनी रफ्तार में, कि लोगों को पसंद आ रही है। जबकि जब आप ट्रेलर देखते हो या जब आप फिल्म के बारे में बात करते हो तो फिल्म बड़ी प्रिडिक्टेबल है। सिंपल सी कहानी है कि एक नौजवान है जो पहले कुछ नहीं करता था, उसके बाप दादों का कारोबार था, दर्जी जो कपड़े सीते हैं, कढ़ाई करते हैं, वो कारोबार था जो उसके फादर ने फ्रस्ट्रेशन में बंद कर दिया था कि इस कारोबार से कुछ नहीं हो सकता। अल्टीमेटली वो कारोबार ही उस लड़के की कामयाबी का जो है पॉइंट बनता है, कामयाब होता है उसी काम में जो उनकी पुश्तैनी जो लोग थे वो करते थे। और इस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ होता है अनुष्का शर्मा यानी कि उसकी वाइफ ममता का। तो ये इस तरह से ये कहानी बहुत ही प्रिडिक्टेबल और काफी सोशल जो ऐसी कहानियां होती है जिसमें कि जो नीचे से जो उठ के ईमानदार लोग होते हैं, जो ईमानदार जिनके अंदर ईमानदारी बहुत बुरी तरह से भरी होती है खून में, और उनको भोलेपन का, उनके भोलेपन का लोग फायदा उठाते हैं, बड़े लोग जो होते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है वैसी चीजें इस फिल्म में भी है। वो चीजों के बाद जब बंदे कामयाब होते हैं तो हैप्पी एंडिंग के साथ फिल्म ऐसे खत्म होती है। तो इस तरह की ये कहानी है इस फिल्म की सुई धागा मेड इन इंडिया। तो इस फिल्म में जैसे वरुण धवन ने एक जो करेक्टर किया है वो है मौजी। मौजी जो रघुवीर यादव इनके फादर का रोल कर रहे हैं, उनके बड़े बेटे हैं, और उनकी जो इसकी जो मौजी की वाइफ है वो है ममता। वेरी देसी नेम अनुष्का शर्मा ममता के करेक्टर में। जब अगर मैं फिल्म नहीं देखती दोस्तों तो मैं पहले से सोचे बैठती कि अनुष्का शर्मा मुझे पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इतनी हॉट स्पाइसी लड़की एक गांव के बिंदी लगा के और ऐसा वाला करेक्टर करके सिंपल सी साड़ी पहन के और घूम रही है, वो मुझे नहीं पसंद आएगी। मुझे लगता है कि वो अच्छी भी नहीं लगेगी, मगर इससे उल्टा रिजल्ट हुआ। अनुष्का शर्मा बहुत ही अच्छी लगी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से उस करैक्टर को निभाया, उस करैक्टर को देखा, उस करैक्टर को जिया। सेम वरुण धवन के साथ, वरुण धवन ने भी अपने करैक्टर में जान डाल दी दोस्तों। चाहे उसका जो अनुष्का शर्मा की तरफ देखना था जिसमें कि ये हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक एज अ हस्बैंड वाइफ उन्होंने एक नाइट तक नहीं बिताई है, अलग सोते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वरुण धवन यानी कि मौजी के कैरेक्टर में उनको लगता है कि वो अपनी वाइफ के काबिल नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं। और यही होता है कि एक दिन वो वाइफ जो है रिएक्ट कर देती है कि आप कैसे लोगों के सामने मिमिक्री कर करके उनको हंसाते हो, कैसे एक हंसी का पात्र बने हुए हैं लोगों का, और घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करते। ये सब बातें वो कहती नहीं है, बस उसकी जो हाव भाव है उनसे वो चीजें वो समझ जाता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी वाइफ के लिए इतना प्यार सम्मान है कि उसके लिए वो कुछ भी करता है, और उसी भावना के साथ अनुष्का शर्मा के साथ वो अपना ये सुई धागे का जो कारोबार है, जो उसका बिजनेस है, उसको एस्टेब्लिश करता है और जीतता है। तो ये तो हो गया नटशेल में एक कहानी भी और किरदारों की प्रशंसा भी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो डायरेक्टर हैं शरद कटारिया जी। शरद कटारिया ने पहले फिल्म बनाई थी दम लगा के हईशा, जिसमें कि अंशुमान थे और भूमिका थी, तो वो फिल्म भी अपने आप में एक माइलस्टोन थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। उस फिल्म के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ये फिल्म
कम लगती है, मगर फिर भी ये फिल्म बहुत अच्छी है। एक ऐसे सब्जेक्ट को जो ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है, जो ऑलरेडी लोगों को पता है इस फिल्म का एंड क्या होने वाला है, फिर भी लोग अगर सीट पे बैठे रहते हैं, फिल्म को देखते हैं और इंजॉय भी करते हैं, तो आप समझिए कि वो डायरेक्टर कामयाब है, वो फिल्म कामयाब है। और एंड में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, इस फिल्म को मैं अपनी तरफ से देती हूँ 4 स्टार। तो ये फिल्म आप देखने जरूर जाइए, आपको बहुत 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 मोटिवेट करेगी। लोगों को भी साथ में लेके जाइए जो आपके चाहने वाले हैं, जो फिल्मों को कम देखते हैं। मुझे लगता है अगर यूथ को ये फिल्म नहीं पसंद आ रही तो उनको वापस सोचना चाहिए कि फिल्म ऐसी क्यों नहीं पसंद आ रही, क्योंकि ये एक फिल्म है जो पूरी फैमिली बैठ के साथ में देख सकती है, जिसमें हीरो हीरोइन इतने हॉट है जो इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। हाँ, बहुत मतलब अनुष्का शर्मा और क्या क्या सीन ये लोग कर चुके हैं पहली फिल्म में। इस फिल्म में एंड में जाके ये एक दूसरे के गले लगते हैं स्टेज पे, वो भी खुशी से। तो ये है फिल्म का एक्चुअली खूबसूरती कि कैसे फिर भी फिल्म लोगों को बिठाए रखती है, लोग फिर भी फिल्म देखना पसंद करते हैं, इंटरवल तक भी, इंटरवल के बाद भी, फर्स्ट हाफ में भी, सेकेंड हाफ में भी। तो ये मेरा एक रिव्यू है इस फिल्म को, तो आप लोग जरूर देखने चाहिए। Till then, keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.